पूरी तरह से जश्न का माहौल है क्योंकि भाई इंडिया ने अपना बदला वापस ले लिया है। 19 नवंबर को इंडिया के साथ जो हुआ था सबको पता है भाई, वो दर्द कोई नहीं भूल सकता है। लेकिन हाँ, इंडिया ने वो बदला ले लिया है इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर। हेड जिसने रोहित शर्मा का कैच रोका था 2023 में, यहाँ पे रोहित ने भाई ने बैट से भी और कैच पकड़ के हेड का पूरा जो उसका इनिंग था जो खत्म किया भाई, वो अपने ही फॉर्म में था हेड, मार रहा थके चौके। लेकिन हाँ, फाइनली उसकी भी गेम ओवर हुई एंड हमारे बॉलर्स ने भी बहुत अच्छा किया और बल्लेबाज ने तो अच्छा किया ही है। रोहित शर्मा द सबसे बेस्ट एलिमेंट ऑफ इस पूरे मैच के दौरान और 92 रन्स। कभी कभी कहते हैं कि भाई 100 से अच्छा 90 अच्छे लगते हैं, तो वो इन्हीं लोग को देख के अच्छे लगते हैं भाई। 100 तो लग जाते, 8 रन और बचे हुए थे, लेकिन नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमने ये मैच जीता है 24 रनों से। और हो सकता है यदि अफगानिस्तान मैच जीत जाती है तो ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट बाहर ही है, लेकिन बाहर हो जाए कन्फर्म। तो टीम इंडिया की तरफ से ना हर कोई परफॉर्म कर रहा है, मतलब टॉप 11 से 10 बंदे परफॉर्म कर रहे हैं भाई। शुभम दुबे भी और जडेजा भी फॉर्म में आ चुके हैं, पिछले मैच में छक्के चौके लगाए हैं अच्छे खासे और बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं जडेजा। एक बंदा जो अभी फॉर्म में अंदर नहीं आया है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी फॉर्म में आ जाएगा, तो भाई तूफान ही आने वाला है। सेमीफाइनल कन्फर्म हो चुका है इंडिया का, और आई होप सेमीफाइनल जीतता है तो फाइनल भी कन्फर्म ही समझो। और ये कब जो है वो आने वाला है ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ भाई उतनी ज़्यादा उम्मीद भी रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि टूटती है दिल तो बहुत ही आवाज़ होता है, ज़्यादा दिल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि भाई इंडिया के कई दिल टूटे हैं ICC टूर्नामेंट 2014 के बाद हमने जीता ही नहीं है। तो ठीक है, ये जो मिथ है 2014 के बाद धोनी के बाद हमने नहीं जीता है वो टूटने वाला है, और हो सकता है ये ट्रॉफी हमारे पास आने वाली है। लेकिन एक बंदा जो अभी तक फॉर्म में नहीं आया वो है विराट कोहली। आई होप विराट कोहली नंबर 3 पे आएंगे, वो तो कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन आप फॉर्म में जरूर आएंगे। मीम्स देखो, मीम्स एक से एक मीम्स निकल के आ रहे भाई, साइलेंसर को साइलेंस करना, ट्रेविस सेट भाई ये मतलब अभी भी फॉर्म में था, मतलब इस मैच में के अंदर ही मार रहा था। लेकिन है कहते हैं रोहित शर्मा भाई कैच लोग लिया, परफेक्ट कैच और रिवेंज भी टेकन हो गया रोहित शर्मा का, क्योंकि यही बंदा था जो 2023 के अंदर 19 नवंबर को कैच लोका था रोहित शर्मा का इनिंग जो बहुत अच्छा चल रहा था उसे खत्म किया था कैच लोक के। और यहाँ पर रोहित शर्मा ने भी इसकी बहुत ही परफेक्ट इनिंग को खत्म की, और कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद ना मैच पूरी तरह से अंदर हो चुका था, क्योंकि बल्लेबाज दूसरी तरफ से तो गिर ही रहे थे अचानक से। बॉलिंग की बात करें तो हर्षदीप सिंह और बुमराह ने जो ही कोहराम मचाया है, हार्दिक पांड्या यू ब्यूटी भाई, ये बंदा को टॉप 11 में लेने के लिए नहीं सोच रहे थे। वॉइस कैप्टन बनाया तो बात कर रही, वॉइस कैप्टन क्यों बना दिया, हर मैच खेलना पड़ेगा, इसके जगह पे रिंकू सिंह के लिए चलो। रिंकू सिंह परफेक्ट है, अच्छे डिजर्विंग कैंडिडेट है, लेकिन हाँ बेस्ट ऑलराउंडर यदि कहा जाए इंडिया तरफ से तो वो हार्दिक पांड्या ही है, और ये मैच जीत के हार्दिक पांड्या को मैं सल्यूट करता हूँ।